आई एम श्योर कि आपकी भी प्रॉब्लम आती होगी, जब भी आप अपने फोटो की कटिंग करते होंगे तो बालों के पास आके आपका दिमाग ख़राब हो जाता होगा, भाई बालों की कैसी कटिंग करें सही से। तो मैंने अपने केस में बहुत रफली कटिंग की हुई, जितनी हो सकी मुझसे रफली करने की उतना मैंने कर दिया। रफली आप देख सकते हो बहुत ही रफ है। अब इसको हम एक रियलिस्टिक वे में मतलब बनाना चाहते हैं, बनाने वाले हैं। तो अभी सबसे पहले बता दूँ कि बहुत सारे एडिटर भी सिखाते हैं कि कुछ ऐसी PNGs यूज़ करो, एंड आई एम श्योर आपने कभी किया होगा या शायद करते हो, अभी भी करते होंगे, या आपके पास कोई अल्टरनेटिव आइडिया नहीं है। तो आज आपका भाई आया आपके साथ। तो हेलो, मेरा नाम टी के क्रिएशन है, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मालूम है ना, मचाते रहो, पीस आउट। तो गाइज, एक रियलिस्टिक हेयर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले आपको कलर पैलेट्स चाहिए ना, हाँ चाहिए, और वो भी आपके हेयर्स और आपके सिचुएशन के सूट के हिसाब से, आपके कलर ग्रेडिंग के हिसाब से। तो उसके लिए क्या करना, कोई भी एक ब्रश ले सकते हो, उसका साइज़ छोटा बड़ा कर लो, पहले छोटा कर ही लो, अच्छी बात है छोटा कर लोगे। तो उसके बाद एक लेयर लेना, सबसे टॉप में एक लेयर ले लेना, और अपने हेयर में से 3 से 4 कलर निकालने हैं। कौन कौन से कलर निकालने हैं, सबसे डार्केस्ट कलर मिड टोन वाला, और मिड टोन के साथ में जो भी कोई अगर होगा तो वो ले सकते हो, और एक हाईलाइट, और एक जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाईलाइट होगा ना, मतलब कि जो आपके सफ़ेद बाल होंगे छोटे, मेरे तो बहुत हैं, और या फिर आपके बालों पे शाइन बढ़ रही हो, तो आप उनको ले सकते हो। उनके कलर को क्या करोगे, यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल होता है, उसको सिलेक्ट करो, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, और ऐसे पैलेट्स बना सकते हो। तो जैसे मैं बना रहा हूँ, आपको बनाना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी पैलेट्स बना लेता हूँ, फिर हम बात करते हैं आगे। Check the mic and make sure it sound right, boys. हाँ, तो लगभग मैंने बना लिया, अब करना क्या, इसके बाद क्या करना है डीके, अब इसके बारे में बताते हैं। तो अभी आप कोई भी ऐसे में ब्रश जो सिलेक्ट किया हुआ है उसमें से, पहले तो मेरा मतलब जो गलती होगी तो उसको मैं इरेज़ कर रहा हूँ। अभी क्या करना है कि आपको एक ब्रश लेना है, एक अलग लेयर में लेना है, ऐसे किसी में मत ले लेना, अलग लेयर में जाके लेना है। अब ब्रश कौन सा लेना देख लो, सिंथेटिक पेंट में आप में ऐसे 4-5 मुँह वाले जो ब्रश है ना वो वाले ले लेना। आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ठीक है, इनसे पहले अप्लाई करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डार्केस्ट कलर ले लूँगा, तो अभी इसको ही लेते हैं, बहुत ज़्यादा डार्केस्ट भी नहीं लेंगे, तो क्योंकि उतना डार्केस्ट में लगता है भी नहीं यहाँ पर, तो इसको लेते हैं, इसको साइज़ को छोटा करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। तो इसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, कैसा ड्रॉ हो रहा है इस समय। तो इस समय ऐसा ड्रॉ हो रहा है कुछ कि एक समस टाइप का ना इफेक्ट आ रहा है, तो कोई और सेटिंग करके देख लेते हैं। तो थोड़ा सा मैंने बढ़ाया हुआ है, उसके बाद भी ठीक ठाक हो रहा है रिजल्ट, पर उतना अच्छा नहीं है, फिर भी एक ब्लरी टाइप का हो रहा है, जो कि मतलब हेयर्स में ब्लरी टाइप के नहीं होते हैं। तो चलो फिलहाल तो इसी काम चलाते हैं, उसके आगे बाद बताऊँगा कि इसको हार्ड कैसे करना है। तो अभी कर रहे हैं क्या, कुछ सिंथेटिक वाला ले लेना है। अब यहाँ से सेटिंग में जाके यहाँ से स्टैंडर्ड कर दोगे तो क्या होगा इसमें कि इसको हार्ड कर देगा ये। अब वो वाले जो वो एक सिंथेटिक पेंट, मतलब वो पेंटिंग के लिए है, जो पेंटिंग आप देखते हो ना समझ टाइप खाल कैसे होते हैं उनके लिए। अब क्या है, हमारे एक स्टैंडर्ड पेंसिल की तरह काम करेगा ये, तो अब इतना ज़्यादा मत कर देना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो साइज़ को बहुत छोटा करना पड़ेगा आपको, आराम से प्यार से छोटा करने के बाद उसके बाद अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के बाद आपको हर जगह अप्लाई करना है, जहाँ पर भी आपको ऐसे बम्प देना है, और उसके बाद अगर चाहो तो इसको इम्पोर्ट कर एक्सपोर्ट करके और वॉर्प वगैरह करके कर सकते हो अच्छे से, और भी अच्छा। पर फिलहाल तो हमें ड्राइंग करनी है, एक एक बालों के दिखाना है कि ये लगे ना कि हमने ड्रॉ किया हुआ, ऐसा लगे कि हमने भाई ओरिजिनल हैं, जो भी हमारे ओरिजिनल हैं। तो इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना ऐसे ही, मतलब बहुत छोटे छोटे साइज करके। आप अलग अलग ब्रशेस को ट्राई कर सकते हो उस सिंथेटिक पेंट वाले में, और मेन सेटिंग जाके उस सिंथेटिक को स्टैंडर्ड कर देना, तभी जाके वो अच्छा सा एक इफेक्ट देगा। तो आपको साइज़ को बहुत छोटा करना है, बार बार आपको एक्सपेरिमेंट करना है, मतलब मैं पर्सनली बताऊँ तो आप एक्सपेरिमेंटल बनो, एक्सपेरिमेंट करोगे तभी होगा। ऐसा नहीं कि जिसने अगर मैंने एक कुछ चीज़ स्टेप बता दिया तो वो लोहे मतलब पत्थर की लकीर नहीं है, लोहे की लकीर कहने रहा था। अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करो, उसको अलग चीज़ों से बनाओ। जैसे देखो अभी मैं अपने जो सामने के बाल हैं उनको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अभी मैं डार्क कलर कर रहा हूँ। तो उसके बाद क्या है कि मैं एक लेयर ले लूँगा, उसको अपने मॉडल के नीचे रखूँगा, उसका जाके पीछे मैं ड्राइंग करूँगा कि मेरे मुंह के आगे नहीं आएगा वो बाल, ठीक है। लेयर का ही फ़ायदा होता है हमारा, और ऑटोडेस्क का भी यही फ़ायदा है कि जो बाल आएगा हमारे मुँह के आगे नहीं आएगा। उसके बाद क्या करना है कि पैलेट्स में से नए रंग जो हैं हाईलाइट वाले कलर्स हैं उनको उठा के अब यहाँ से इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। अभी सीन क्या होगा कि आप बार बार पैलेट्स के पास जाओगे, ये भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके पास, आपके लिए। तो अब क्या कर सकते हो,
मतलब कि आप डायरेक्टली अपने हेयर्स में से ही बाल उठा सकते हो, मतलब उसमें से कलर उठा सकते हो वाइट ड्रॉपर से। और मेरा सबसे फेवरेट ब्रश है, उसका ब्रश तो नहीं कह सकते, एक पेंसिल है, देख सकते हो कहाँ गया मेरा यार, एयरपर लेगेसी में होता है ब्रश पेंसिल। तो इस पेंसिल से भाई मैंने बहुत ड्रीम लाइट वगैरह, हेयर ड्राइंग और भी बहुत सारे काम मैंने इससे ज़्यादातर कम करता हूँ। तो आप भी देखना, अगर करके देखना आपको सूट बैठे आपके हाथों में, सूट बैठे अच्छा लगे, तो चलो उसे ट्राई कर लेना इसको एक बार, क्योंकि आपको मज़ा आएगा सच में। इसको मैं अब हाईलाइट क्रिएट करूँगा, जैसे कि देखो आप वाइट वाला जो मेरे हाईलाइट्स हैं उनको क्रिएट करूँगा। अब इसको मेरे को बस एक जगह नहीं करना, हर जगह करना, जहाँ पे मैंने ड्राइंग की हुई है, ताकि एक अच्छा सा लुक आ सके। क्योंकि देखो आपके कोई भी अच्छी है 3D में हो, देखो आप 3D में हो अलग बात है, आपके ऊपर टेक्स्चर्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं, कहीं भी आप इवन आप एक मेरा स्किन स्किन का टेक्स्चर सेम ही है, कलर भी सेम है, बट क्या होता है कि जब शेडोज़ वगैरह पड़ती हैं, हाइलाइट्स वगैरह आते हैं, तो उनका क्या होता है कि कलर्स चेंज हो जाते हैं। उसी समय हमारे बालों, उसी तरह बिल्कुल सेम हमारे बालों के साथ भी ऐसा ही होता है, जैसे कि शेडोज़ वगैरह या हमारे लाइटनिंग कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे शेडोज़ एंड हाइलाइट चेंज होते रहते हैं। तो उसी हिसाब से आपको क्या करना है, इसको आपको ड्राइंग करनी है, एक एक बालों की देखने तो बहुत मुश्किल लगता है जब भी आप इसका देखते हो, भाई एक एक बाल ड्रॉ किया होगा उसने, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले एक ब्लैक एक सॉलिड कलर का नीचे लेयर को डार्किश अप्लाई कर दो, और उसके बाद साइज़ को छोटा करने के बाद हाईलाइट्स लो और उसको अप्लाई करो बहुत आसानी से। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद मैं थोड़ा सा वीडियो फास्ट करता हूँ ताकि आप भी इन्जॉय कर सकें, आई होप आपको प्रोसेस अच्छा लगेगा। ओके, आई होप आपको पसंद आया होगा। और आपको मैं बिफोर एंड आफ्टर दिखा देता हूँ कितना फ़र्क पड़ता है। एक बम्पी सा लुक हो जाता है हेयर्स में, पफ टाइप का बन जाता है, और एक रियलिज्म तो है ही है। इसको बस याद रखना कि इसको अपने इसको ट्रांसपेरेंट PNG में इसको सेव करना, वैसे मत सेव कर लेना, सबसे जो बैकग्राउंड वाला लेयर है उसको इसके आई को ऑफ करके करना। तो आज के लिए बाय बाय टाटा, और मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब किया हो। बाय बाय।